Ah, tá, verão. जो है वो ग्लोबल ह्यूमन राइट्स की तरफ से नेशनल अवार्ड जो है अनाउंस किया गया है। जीतल जी का मैं पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि पिछले साल जब कोविड जो महामारी जो हमारे देश के अंदर बड़ी तेजी से फैल रही थी, तो उस वक्त काफी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा जिसके बीच लोगों ने अपने इवन अपने माँ बाप ने अपने बच्चों को अपने बच्चों ने अपने माँ बाप को अपने घर आने से मना कर दिया। लेकिन शीतल जी जो है वो एक इस तरह के एक मसीहा बनकर के लोगों के सामने आए, जिन्होंने कोविड के दौरान जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट जितने जम्मू से जिन्होंने इनके पर अप्रोच किया और जो लोग बीमार थे इसके अंदर इन्होंने सबको रेस्क्यू किया और हॉस्पिटलाइज करके इनका पूरा ट्रीटमेंट का जो है वो इन्होंने देखा है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी शख्सियत जो है ऐसे जो एक्टिविस्ट हैं इनको सिर्फ हमारी तरफ से नहीं जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर इनको सम्मानित करना चाहिए। हमने पिछले ही दिनों सुना था कि दिल्ली से यहाँ पे जो शख्स थे वो काफ़ी बीमार पड़े थे और उनको कोविड पॉजिटिव हो गया था और शीतल जी ने उनको बस स्टैंड से रेस्क्यू किया और चार दिन जो है उनको हॉस्पिटलाइज रखा। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई और उनके पेरेंट्स ने उनको अपने घर लाने से मना किया। फिर शीतल सिंह जी जो जिन्होंने उनको उनकी संस्कार तक जो है वो उनका किया है, तो मैं ये इनको बहुत बधाई देना चाहता हूँ शीतल सिंह जी को। उसके बाद जितनी भी गरीब गुरबा जो लड़कियां हैं ऊपर से काफ़ी लड़कियों ने इनके पर जो पेरेंट्स ने अप्रोच किया कि हमारी काफ़ी गरीब जो है हम लोग हैं और हमारी बेटियों की शादी नहीं हो रही, तो शीतल जी ने तीन चार लड़कियां जो ऊपर से थी गरीब लड़कियां थी उनका सारा खर्चा जो है वो इन्होंने किया है और उनकी शादी करके वो विदाई तक उनके साथ रहे। उसके बाद यहाँ पे जितनी भी लावारिस लोग जो जितने बड़े होते थे किसी की डेड बॉडीज होती थी किसी का जो शरीर जो है वो किसी जगह से रेस्क्यू किया जाता था तो कोई उनके तक नहीं जाता था, आखिर शीतल जी जो है वो उन तक पहुँच करके उनको रेस्क्यू करते थे। मीडिया पूरी तरीके से वाकिफ है क्योंकि हर दिन उनका जो है वो न्यूज़ में और मीडिया वाले जो है वो सारी चीज़ें कवर करते हैं, तो मैं उनको बहुत बधाई देता हूँ कि इस तरह के इंसान हमारे बीच में हैं तो हमारा फर्ज बनता है ऐसे लोगों को जो है वो सम्मानित करना। तो इसीलिए जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट इन्होंने जिंदा किया कि इनको नेशनल अवार्ड से नवाजा जाए और हमारे बीच जो आज शख्सियत हैं श्री रमन भल्ला जी, मैं इनका भी तहदिल से शुक्रगुजार हूँ कि इस गर्मी में आज जम्मू के अंदर जो है वो लाइट भी नहीं है तो काफ़ी गर्मी में जो है ये हमारे बीच में आए, मैं इनका तहदिल से शुक्रगुजार हूँ। हमारे बीच श्री नबील अहमद वानी साहब पहुँचे हैं, मैं इनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये उधमपुर से हमारे बीच पहुँचे हैं। तो शीतल जी के बारे में मैं और बता दूँ कि एक बच्ची थी पिछले दिनों वो भी एक उनके पेरेंट्स ने उनको फेंक दिया था, तो शीतल जी को जब पता चला तो इन्होंने रात के 2 बजे जाकर के उस बच्ची को रेस्क्यू किया। अनफॉर्चुनेटली उस बच्ची की जो है वो डेथ हो गई, फिर उनको जो है दफनाने तक का काम जो है उन्होंने पूरा जो है वो पेश किया। उसके बाद हॉस्पिटल के अंदर जितने भी कोविड पॉजिटिव पेशेंट थे उनको खाने का काम, उनको दवाइयों का काम और उनके साथ दिन रात जो है वो हॉस्पिटल के अंदर रहना, तो ये बहुत बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि ऐसे शख्स जो है वो अगर जिंदा हैं आज तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है, अदरवाइज जो कोविड की महामारी थी इसके अंदर हम तो एक दूसरे से छूने से डरते थे और इवन ऐसा था ऐसे दिन हमारे हमें देखने पड़े कि बच्चों ने अपने माँ बाप को घर से बाहर धकेल दिया, लेकिन उन माँ बाप का सहारा बनकर के जो शीतल जी हमारे सामने आए, तो मैं जब देखा इनको कि ये दिन रात इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे काफ़ी प्रेरणा भी इनसे मिली और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो मैं ये जितने भी हमारी जम्मू कश्मीर की ऑर्गेनाइजेशन हैं जितना भी जम्मू कश्मीर के हमारी चाहे वो पॉलिटिकल ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ट्रस्ट की तरफ से उन लोगों को सम्मानित करने जिन्होंने कोरोना के सिलसिले में बहुत योगदान दिया है, समाज उनको याद रख यहाँ पे रखता है कैसे कोरोना वॉरियर जितने भी हैं
सारे ही सम्मानित उनको करने के वो मैं समझता हूँ वो हकदार यहाँ पे हैं, चाहे वो सैनिटरी स्टाफ हो, प्रेस वाले हों, मीडिया के साथ साथ पुलिस वाले हों, ट्रैफिक वाले हों, डॉक्टर्स हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, जितने भी सेक्टर्स हैं। आज लॉकडाउन इम्प्लीमेंट करने में उन लोगों ने बड़ा ताबून दिया, इसमें से ऐसी शख्सियत भी कोई निकल के आती है जिन्होंने उस वक्त में बहुत ज़्यादा योगदान दिया। आज इस ट्रस्ट ने उन लोगों को सम्मानित किया, मैं दिल की ग्रांचर ट्रस्ट का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मुहिम जारी रहनी चाहिए, ऐसे आइडेंटिफाई करें जो लोग भी सिविल सोसाइटी में ऐसा रोल अदा करते हैं, हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि हम उनको परेशान करें। सम्मानित करने से बाकी लोगों को भी एक प्रेरणा, एक नई दिशा यहाँ पे मिलती है कि सब लोग इस मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दें। आज ग्लोबल ह्यूमन राइट ट्रस्ट ने हमें अपने एक प्रोग्राम में इनवाइट किया, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एचआर रहमान सर का, रमन बला सर भी यहाँ आए, बहुत अच्छा लगा सुन के। शीतल जी ने जो बहुत ज़्यादा काम किया पिछले 2 सालों में कोविड के रिलेटेड, और इतनी ज़्यादा मदद की, बहुत मुश्किल है कि इसी अनजान बंदे को रोड से उठा कर उसकी मदद करना। ये आज की पब्लिक में बहुत ज़्यादा लोग सोशल मीडिया पे हीरो बन रहे हैं लेकिन रियल में काम नहीं कर रहे, तो बहुत अच्छा लगा कि इनको कोविड वॉरियर्स को से सम्मानित किया। और आई विश कि फ्यूचर में लोग आगे आए और कोविड के जंग में हम सब एक साथ जुड़े, और प्लीज आम पब्लिक की मदद करें, गरीब लोगों की मदद करें, यही टाइम है जब हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं। थैंक यू।